नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज के वीडियो हम देखेंगे टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए। साथ ही दोस्तों मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट की है जो कि अभी कंटिन्यू है। जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे 16 नंबर वीडियो को देख करके आप पूरी डिटेल्स उससे लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैं पूरा सिलेबस जो है कवर करवाने वाला हूँ एक्सीलेंस स्कूल को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, टेंस हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने टेंस लिया है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं, साधारण वर्तमान काल। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस ई एस आई एस आता है और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस ई एस आई एस और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्ब में एस ई एस और आई एस आएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस आएगा और किन के साथ नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ही, यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर हो तो वर्ब में एस ई एस आई एस आता है, और यदि आई बी यू दे और प्यूरल यदि हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं आएगा। इसको हमको ध्यान रखना होगा दोस्तों इन सब्जेक्ट के साथ। फिर हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा ऊपर अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव बनाने के लिए देख लेते हैं कि नेगेटिव यदि हम बनाते हैं तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। तो नेगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस या हेल्पिंग वर्ब डू डज निकलेगी प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम वर्ब के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमको निकालना पड़ेगा। यदि वर्ब में एस ई एस आई एस आता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डज निकलेगी, और वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं आता तो डू निकलेगी। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सामने जाएंगे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आगे हम देख लेते हैं, आगे यहाँ पर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही गोज टू स्कूल, इसको नेगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर एस ई एस आया हुआ है तो ही और ई एस लगा हुआ, इसलिए हमने गो यहाँ पर डज निकल गया, डज नॉट आ जाएगा, और फिर गो ई एस यहाँ पर हट जाएगा, गो टू स्कूल हो जाएगा। आगे हम इसी में देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या है क्रिया में एस ई एस, इसलिए यहाँ पर डज निकल गया, फिर ही, फिर क्रिया जो है अब ई एस हट के आ जाएगी, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे यहीं पर, बॉयज प्ले क्रिकेट, निगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव बनाना है, तो जाएगा हमारा बॉयज, यहाँ पर ई एस नहीं आया है तो डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या है वर्ब में एस ई एस नहीं आया तो डू निकल गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और बॉयज प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोहन डज हिज वर्क, निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाना है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं वर्ब में ई एस आया हुआ है तो मोहन डज नॉट, वर्ब से ई एस हटेगा तो डू हिज वर्क हो जाएगा, मोहन डज नॉट डू हिज वर्क हो जाएगा, इंटरोगेटिव बनाएंगे इसी का, एस ई एस आया तो डज मोहन ई एस हट के डू हिज वर्क क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं आई डू माई वर्क, यहां पर देखिए यहां पर देख सकते हैं डू वर्ब में यस नहीं आया है तो आई डू नॉट डू माई वर्क हो जाएगा यहां पर। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका तो हो जाएगा डू आई डू माई वर्क, यस नहीं था इसलिए यहां पर डू निकला और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन था अर्थ डज नॉट राउंड द सन, अफर्मेटिव बनाना है इसका तो हो जाएगा यहाँ पर द अर्थ
डज नॉट हटेगा तो बर में एस सी एस आएगा, राउंड्स द सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इट डज नॉट रेन फास्टली, अफर्मेटिव बनाना है तो इट रेन्स फास्टली हो जाएगा। इसी प्रकार से सी डज नॉट फ्लाई अ काइट तो जाएगा, डज नॉट हटेगा तो आई एस लग जाएगा, वाई हटके सी फ्लाई सा काइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, डज सीता सिंग अ सॉन्ग, अफर्मेटिव बनाना है तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा अफर्मेटिव। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्वेश्चनों को देखा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार वर्तमान काल। यहाँ आप अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस आया है तो आई एन जी फॉर्म जरूर आएगा यहाँ, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब हमारा जब सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ इस का यूज होगा, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर का यूज होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम, आई एम गोइंग टू स्कूल नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, एम के बाद नॉट आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, टीचर्स इज नॉट टीचिंग अस, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बनाना है इसका। तो यहाँ पर अफर्मेटिव बनाने के लिए टीचर इज नॉट हट जाएगा, टीचिंग अस। अब यहाँ पर क्या है कि इंटर नेगेटिव सेंटेंस और इसका हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इज हेल्पिंग वर्ब सामने, टीचर नॉट टीचिंग अस और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नो न्यूज फिल इन द ब्लैंक गुड न्यूज। यहाँ पर हमको एस देख के लगता है कि हमारा सब्जेक्ट प्यूरल है, लेकिन प्यूरल नहीं, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट न्यूज, तो यहाँ पर नो न्यूज इज गुड न्यूज हो जाएगा। यहाँ पर हमको देखना है बॉयज, बॉयज है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, तो प्यूरल है हमारा तो इसलिए आर आ जाएगा, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से इट के साथ इज आती है हेल्पिंग वर्ब, तो इट इज रनिंग। इस प्रकार से जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। इसको देखें हम, स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैज है हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज किसके साथ आएगी, यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर हो तो हमारा सब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है एस यूज होगी। हैव किसके साथ यूज होगी, आई वी यू दे और प्यूरल के साथ हैव यूज होती है। नेगेटिव और इंटरगेटिव का देख लेते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आई है आई ब्रैकेट में यहाँ हमको बताना क्या आना चाहिए, प्लेड क्रिकेट, तो आई के साथ हैव आता है तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ही हैज यहाँ पर वर्ब के फॉर्म की बात की गई थी, कौन सा फॉर्म आएगा तो ही हैज संग अ सॉन्ग, सिंग सेंग संग, तीन फॉर्म होते हैं तो संग आ फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर, सिंग सेंग सिंगिंग सेंग संग, तो थर्ड फॉर्म आता है तो ही हैज संग अ सॉन्ग। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यू हैव द ताजमहल सा सी सीन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है, यू हैव सीन द ताजमहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे फिल इन द ब्लैंक प्लेड हॉकी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया था तो यहाँ पर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आएगी, तो दे हैव प्लेड हॉकी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला, और इसमें प्रेजेंट का लास्ट टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सब्जेक्ट
हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का इंजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और टाइम यहां पर आता है दोस्तों। तो यहां पर सिंस फॉर का यूज हम देख लेते हैं, सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा। तो सिंस के यूज के लिए यदि हमारा जो टाइम दिया मॉर्निंग में, इवनिंग में, डेट दी है, ईयर दिया है, डे दिया है, मंथ दिया है, टाइम दिया है, और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट नाइट, इस टाइप से दिया है तो सिंस का यूज होता है। फॉर के लिए जैसे टू आवर, टू डेज, टू ईयर्स, फाइव मिनट्स, इस प्रकार से यदि दिया है तो फॉर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज में देख लेते हैं। यहाँ पर सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, निगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो ही हैज नॉट, दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, है ही हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए आगे, रश्मि एंड ज्योति हैव, अब यहां पर डबल हमारे सब्जेक्ट हैं तो दो सब्जेक्ट आ गए यहां पर, तो दो नेम आ गए, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्यूरल हो जाएगा, तो हैव का यूज होगा। रश्मि एंड ज्योति हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, टू आवर्स दिया है तो यहां पर फॉर का यूज हो जाएगा। यहां पर हमने ऊपर देखे थे सिंस का यूज हुआ था। यहां पर देख सकते हैं अगला, सी हैज बीन टीचिंग देम सिंस 4 PM, यहां पर टाइम दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम। तो ऐसी स्थिति में यहां पर सी के साथ हैज बीन आएगा, टीचिंग देम सिंस 4 PM। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा आज कंप्लीट कर लिया है, और आने वाले वीडियो में और दूसरे टेंस के बारे में बताऊंगा, पास्ट टेंस को लेकर के। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और साथ ही दोस्तों बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए एक्सीलेंस को लेकर के, तो आप देखते रहिए। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ रहा है, यदि बाद में फिर आप सोचेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। तो जल्दी से अभी आप जो है 2-3 दिन के अंदर डिसीजन लेकर के ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए सारी डिटेल्स आपको 16 नंबर वीडियो में मिल जाएगी, इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब आपको डिटेल्स मिलेगी उस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।